तो सबसे पहले हम लोग नोट पैड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल उसे करके देखेंगे, राइट। तो देखिए, ये रहा आपका नोट पैड और ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, क्या है पता है? मैं बता दूंगा। नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब जब हम विंडोज 8.1, विंडोज 8 या विंडोज 7 यूज करते हैं तो इसके अंदर अधिकतर तो ज्यादातर यही यूज होता है ना। तो जब हम ये यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको नोट पैड देखने को मिल जाता है। यानी कि नोट पैड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब आप विंडोज 7 या कुछ भी डलवाते हैं अपनी पीसी में या नया लैपटॉप बाय करते हैं, सिस्टम लेते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट रहता है कौन? नोट पैड। अलग से हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, ये नोट पैड बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। और ये जो नोट पैड होता है वो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट का मतलब होता है ए बी सी डी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। मतलब ये जो है हम लोग टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं और कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर मान लो कुछ आपको नोट करना है, कोई भी आप मान लो कि कोई आपका होमवर्क मिला है, तो होमवर्क मिला है तो आप नोट पैड में उसे आप नोट करके रख सकते हैं। यानी कि नोट पैड नोट करने के लिए दिया गया है और आप कुछ भी टेक्स्ट को एडिट भी इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। कुछ आप लिखते हैं तो उसे नोट पैड के जरिए कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यानी कि नोट पैड के जरिए, ठीक है ना, नोट पैड के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई फाइल है जो कि टेक्स्ट फाइल है, यानी कि कोई टेक्स्ट में है, तो उसे आप नोट पैड के जरिए खोल सकते हो। आपने इंटरनेट के सहारे कुछ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया है ना, जो कि टेक्स्ट फाइल में है, तो आप उसे नोट पैड से ओपन कर सकते हो, है ना। तो नोट पैड टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हम इसके जरिए किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। और ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, कोई हार्ड नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल सा है। क्योंकि अगर हमें कुछ और करनी होती है तो इसके लिए हमारे पास वर्ड पैड है, वर्ड है ना, और भी कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा नोट पैड के बारे में। और कोई खास नहीं है, मैं आपको वीडियो देने के बाद नोट्स भी दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, नोट पैड भी मैं आपको सिखाता हूं अपने पीसी पर कैसे यूज किया जाता है, कैसे खोला जाता है। मैं आपको जनरल से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। मैं कोई भी ऑप्शन नोट पैड के अंदर नहीं छोड़ूंगा, चाहे नोट पैड के अंदर कोई भी ऑप्शन दिया गया हो, जनरल हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, मैं वो सारा आपको क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग नोट पैड को कितने तरीकों से खोल सकते हैं।
सबसे पहले आप नीचे में देखेंगे तो यहां पर एक सर्च वाला ऑप्शन होता है, आप विंडो 7, 10, 8 में देख सकते हैं ये सर्च वाला ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो आपको यहां पर नोट पैड लिख देना है और आपको ये जो नोट पैड शो कर रहा है आपको इसको ओपन कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका ये जो नोट पैड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे आसान तरीका है जिसे आप विंडोज 7 में, 8 में और 10 में यूज कर सकते हैं वो है रन कमांड के जरिए। हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में विंडोज R दबाएंगे तो हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर हम लोगों को लिखना होगा नोट पैड। जैसे ही नोट पैड लिखेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास ये जो नोट पैड है वो खुलकर आ जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको टीचर लेवल तक जाना है। तो टीचर लेवल में क्या होता है कि बच्चे कहीं से भी सवाल कर सकते हैं। तो मैं आपको A to Z वो ऑप्शन बता दूंगा जो बच्चे आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है भविष्य में आप टीचर बनेंगे, या मान लो आप टीचर नहीं भी बनेंगे तो कम से कम आपको मास्टर लेवल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आप ध्यान से देखना, यहां पे सबसे ऊपर में राइट साइड में ये तीन ऑप्शन है, पहला है क्लॉज और दूसरा है रिस्टोर, तीसरा है मिनिमाइज। तो सबसे पहले ये जो क्लॉज है इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नोट पैड है वो बंद हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम लोग दोबारा से नोट पैड ओपन कर लेंगे और अगर हम लोग इसमें कुछ लिख देंगे, कुछ भी लिखने के बाद अगर हम लोग दोबारा से इस क्लॉज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लॉज नहीं होगा। ये क्लॉज तभी होगा जब ये आपसे सवाल कर रहा है उसका आप आंसर दोगे। ये सवाल कह रहा है कि भैया डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू अर्न टाइटल, यानी कि जो आपने अभी ये टाइप किया, जो आपने अभी काम किया जिसका नाम था अनटाइटल, क्या नाम था? अनटाइटल, इस डॉक्यूमेंट का नाम था अनटाइटल। तो भैया आप मुझे ये बताओ कि इसको क्या करना चाहते हो, क्या आपको सेव करके क्लोज करना चाहते हो या विदाउट सेव क्लोज करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो। मैं तीनों के बारे में बता रहा हूं। देखिए जब हमने इसमें कुछ काम किया था तो जब मान लो कि कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे नोट किए, ठीक है, और कोई आकर के अगला बंदा इसको डायरेक्ट यहां से क्लोज कर देता है तो सवाल करेगा ना कि आपने जो काम किया था क्या आपको उसको सेव करना है। अगर आप सेव पर क्लिक करोगे तो सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से कुछ भी नाम दे करके सेव कर दो और यहां से जैसे ही आप सेव करोगे तो ये नोटपैड क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ काम कर रहे हैं, या कह लो कि अगर आप नोटपैड में कुछ काम कर रहे हैं और उसको आप डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट क्लोज नहीं होगा। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, फोटोशॉप हो, नोटपैड हो, पेंट हो, जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो डायरेक्ट क्लॉज नहीं होगा। डायरेक्ट क्लॉज नहीं होगा, वो आपसे बार बार सवाल करेगा कि भैया सेव करके क्लॉज करो या फिर बिना सेव किए हुए क्लॉज करो या क्लॉज नहीं करो। यानी तीन ऑप्शन होता है जो मैं बता रहा। तो सबसे पहले इसको आप सेव कर लो। देखो जैसे ही मैंने इस को सेव किया वैसे ही ये जो नोट पैड था वो क्लोज हो गया। यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि जब हम कुछ काम करेंगे और अगर हम इसको क्लोज करना चाहेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा। क्लोज दो शर्त से होता है, क्लोज दो शर्त से होता है, या तो आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लो तो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर अगर डायरेक्ट आप इसको क्लोज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये सेव ना हो, तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि वो वाला वर्क सेव नहीं होगा और आपका ये जो नोटपैड है वो क्लोज हो गया है ना।
और तीसरा ऑप्शन था कि आप चाहते हो कि ना सेव हो और ना सेव हो, तो आप कैंसिल कर सकते हो, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको जैसे इच्छा है क्लोज करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, मान लो कि आपने नोटपैड खोला और अगर अब आप क्लोज करोगे, ठीक है ना, अब अगर आप क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये आपसे सवाल नहीं करेगा। सवाल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने नोटपैड के अंदर कुछ भी वर्क नहीं किया था। अगर आप थोड़े बहुत भी वर्क करते तो आपसे सवाल करता कि भैया आपने जो वर्क किया उसको सेव करके क्लोज करना है कि बिना सेव करके क्लोज करना है। अगर सेव करके क्लोज करना है तो सेव वाले पे क्लिक करो, अगर बिना सेव किए हुए क्लोज करना है तो डोंट सेव पर क्लिक करो, अगर कुछ भी नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। अब आपको समझ में आ गया हो, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये जो रिस्टोर है ना, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। मान लो अगर आप इस पर क्लिक कर दिया आपने तो ऐसे मैक्सिमाइज होगा, आप देखो छोटा कर सकते हो, इसको और भी छोटा कर सकते हो और साइड में इसको आप रख सकते हो। दोबारा इस पर क्लिक करो, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये वाला जो बगल में ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो आपका नोटपैड था वो नीचे टास्क बार में यहां पर चला आएगा। ये कहां आएगा? टास्क बार में चला आएगा, जो देख सकते हो। फिर से इस पर क्लिक करना होगा तो आपका ये फिर से नोटपैड खुल जाएगा। ओके चलिए, और यहां नीचे में देखोगे ध्यान से, यहां पे नीचे ध्यान से देखो एक पट्टा दिखाई दे रहा है यहां पे नीचे, ये वाला जहां पे है लाइन वन कॉलम वन जो भी है, ये 100% विंडोज यूटीएफ ये जो शो कर रहा है नीचे में ये वाला, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है ना, नोट्स में मैं आपको दे दूंगा, नोट्स में ये सभी चीजें लिखी हुई है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है ना, स्टेटस बार तो नीचे में जो शो करता है ये स्टेटस होता है। स्टेटस का मतलब ये क्या होता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्या परिवर्तन आपने इस डॉक्यूमेंट में लाया। देखो जैसे जैसे आप लिखोगे, देखो नीचे COL में देखो कैसे शो कर रहा है, जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे चेंज होने जाएगा। अगर आप जूम करोगे तो ये 100% की जगह पे और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, देखो तो ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है कि आप अभी कर क्या रहे हो। ठीक है ना जी, तो आप समझ जाएंगे ये स्टेटस है, कुछ भी परिवर्तन करोगे अपने डॉक्यूमेंट में तो ये शो करेगा। राइट, अब ऊपर में यहां पे देखोगे तो ये नोटपैड का लॉगो है और ये बगल में इसका लिखा हुआ अनटाइटल और उसके बगल में है नोटपैड। तो ये जो अनटाइटल है ना, ये अनटाइटल ये जो लिखा हुआ है वो एक फाइल नेम है, ये नोटपैड का फाइल नेम है। अभी वहां पर अनटाइटल है क्योंकि हमने इस वर्क को सेव नहीं किया है, सुरक्षित नहीं किया है। जब हम इसको सेव कर देंगे तो सेव करते समय जो नाम वहां पर लिखेंगे वो नाम शो कर जाएगा, लेकिन ये जो नोटपैड लिखा हुआ है ये कभी चेंज नहीं होगा। कुछ भी हो जाए लेकिन नोटपैड जरूर रहेगा। तो सबसे पहले हम इस वर्क को हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा और यहां पर सेव वाले पे क्लिक करना होगा। अब यहां पे हम लिख देते हैं डीके वर्मा ऑफिशियल, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मैं इसको सेव कर देता हूं तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ रहेगा, डीके वर्मा ऑफिशियल, और ये जो आपका नोटपैड है वो नहीं हटेगा क्योंकि नोटपैड आपने ओपन करके रखा है। ये शो करता है कि भैया आप क्या खोल कर रखे हुए हैं, तो आप खोलकर नोटपैड को रखे हुए हैं और ये जो डीके वर्मा ऑफिशियल है ये आपका फाइल नेम है ना, ताकि जब आप अपने पीसी में जाएं तो आप डीके वर्मा के नाम से खोजें कि कहां पर आपने सेव किया था और किसके नाम से, तो आपने डीके वर्मा ऑफिशियल के नाम से इसको, देखो ये डीके वर्मा ऑफिशियल के नाम से सेव किया था। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला आपका ओपन हो जाएगा। तो ये फाइल नेम हो जाता है ताकि जहां पर आप इसको सेव करोगे वहां से दोबारा इस डॉक्यूमेंट को, इस वर्क को आप खोलकर देख सके और इसमें दोबारा से काम कर सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, ये मेन्यू है, इसको कहते हैं मेन्यू, है ना, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मेनू। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू पढ़ेंगे। देखो फाइल का मतलब यही होता है कि आप
फाइल से संबंधित, जैसे फाइल को सेव करना, फाइल को मान लो फाइल को आप सॉरी फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को एडिट करना, ये चीजें आप फाइल के अंदर कर सकते हो। जैसे देखो न्यू फाइल खोलना, न्यू विंडोज खोलना, ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को सेव एज करना, इस फाइल को पेज सेटअप करना, प्रिंट करना, एग्जिट करना, ये सभी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग, फाइल के अंदर आता है न्यू, ये न्यू क्या होता है मैं दिखा रहा हूं आपको। मान लो कि अभी आप काम कर रहे हो और ये आपका हो गया, तो आप चाहते हो कि हमारे पास एक नया पेज आ जाए। अब आप इसको तो डिलीट नहीं ना करोगे, तो जब हमें ये लगता है कि हाँ भैया इस वाले पेज में, इस वाले डॉक्यूमेंट में हमारा जो वर्क था वो समाप्त हो गया है, मैं चाहता हूं कि एक न्यू पेज आ जाए जहां पे ब्लैंक रहे और मैं उसे दूसरे नाम से इसको सेव कर सकूं, तो इसके लिए आपको फाइल में जाना होगा और न्यू पे क्लिक करना होगा। फिर भी ये सवाल आपसे करेगा कि भाई देखो अभी आपने जो काम किया, ये सब आपने जो लिखा भाई, उसको तो सेव करना होगा ना, तो आप इसको सेव कर दो, अब आपका नया पेज आएगा। यानी कि ये जो सेव हुआ था वो पहले वाले डॉक्यूमेंट पर हुआ। देखो तो क्या हुआ, आपका ये ओपन हो गया नया ये पेज, समझ गए आप। शॉर्टकट की आप याद कर लेना, ये सिंपल यहां पे देखो लिख भी रहा है कि कंट्रोल एंटर न्यू होता है, न्यू विंडोज होता है, आप इसको याद कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, नोट्स में दे दूंगा आपको। ये अगला है न्यू विंडो, शायद ये विंडोज 10 में अवेलेबल होता है मेरे हिसाब से। जैसे क्या कर रहे हो आप, अभी देखो कितना है, एक दो खुला हुआ है, एक दो। आप मान लो कि कुछ भी आपने इसमें काम किया, अब जैसे फाइल में जाओगे और यहां पे न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका नोट पैड ही नया खुल जाएगा। यहां पे देखो नहीं, देखो अगर आप यहां पे न्यू पे क्लिक करोगे तो क्या कहेगा, न्यू पे आपने जब आपने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आप इसको सेव करो तब न्यू पेज खुलेगा, या फिर बिना सेव किए हुए न्यू पेज खोल सकते हो। यानी कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट अभी आप ओपन था, ये वाला जो डॉक्यूमेंट ओपन है, या तो ये सेव हो जाएगा तब नया पेज खुलेगा, या फिर सेव नहीं होगा तब खुलेगा, मतलब इस वाले डॉक्यूमेंट को जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप यहां से न्यू विंडोज पे क्लिक करोगे तो वो तो पहले रहेगा ही, आपसे सवाल नहीं करेगा ये कि भैया डोंट सेव करो, सेव करो, कुछ नहीं करेगा, ये अलग नया नोट पैड खुल जाएगा ये, है ना। तो ये होता है न्यू विंडोज का काम, ठीक है। चलिए ओपन, ओपन से क्या कर, देखो ओपन करो तो फिर से पूछेगा कि भैया ये जो काम कर रहे थे आप, इसको क्या करना है, बिना सेव करना है, तो चलो मैं डोंट सेव करता हूं, अब ओपन हो जाएगा। तो ओपन में क्या होता है कि अगर आपने पहले से कुछ काम किया हुआ है नोट पैड में तो आप उसको ओपन कर सकते हो और दोबारा से काम कर सकते हो। जैसे देखो डीके वर्मा ऑफिशियल, पहले मैंने इस पर काम किया था तो इस पर आप क्लिक करो, ये देखो ओपन हो गया। फिर से ओपन में जाओगे, शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, इसको ओपन करना है तो आप इसको ओपन कर सकते हो, है ना। मतलब किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो जो टेक्स्ट में लिखा हो, जो टेक्स्ट में लिखा हो उस फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला मान लो ये करना है तो आप इस पर क्लिक करो, हो गया ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट में आगे फाइल में, फाइल के अंदर है सेव। सबको पता है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप इसको सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं कि भैया हम बाद में भी इस पर कुछ काम करें, बाद में इसको देख सके और उसमें कुछ और ऐड कर सके, दूसरों को दिखा सके, तो आप इसको सेव कर दो और अपने पीसी में सुरक्षित कर दो ताकि कभी भी इसको देखा जा सके, ठीक है ना। चलिए सेव पर क्लिक किए, नाम देंगे डी के, दे दिया हमने ना। अब इसको ये तो डी के दे दिए, अब मान लो किस फाइल में सेव करना है। अभी यहां पे देखो डॉक्यूमेंट है, आप कहां डाउनलोड पे सेव करना है, ये फोल्डर में करना है या इस वाले फोल्डर में करना है या इस वाले में करना है, जाकर के सेव कर दो, ये आपका सेव हो जाएगा, है ना। और नोटपैड ऐसे इजी नहीं है, मतलब नोटपैड को लोग इजी मान लेता है, लेकिन ये तो काम करने के लिए इजी है, लेकिन नोटपैड में जानते हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि नोटपैड में
हम लोग अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि भैया वेबसाइट ऐसे घूमेगा, ऐसा टेक्स्ट जाएगा, मतलब वेबसाइट आपने देखा होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं नोटपैड में। जब मैं आपको HTML सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। फाइल में आगे आता है सेव एज, ये भी देखो दोनों सेम है। ये सेव और सेव एज में क्या अंतर है, मैंने पहले बताया था आपको नोटपैड में कि सेव किए गए डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज करते हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, है ना, दोबारा सेव करने के लिए। आगे है पेज सेटअप, आप अपने पेज को सेट कर सकते हो। जैसे मान लो आप कुछ भी नोटपैड में लिखते हैं तो उसको प्रिंट भी तो करना चाहेंगे ना, तो प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट का साइज क्या होगा, A4। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो प्रिंटर रखे हुए हैं, आप कौन सा प्रिंटर रखे हुए हैं, A4 साइज का प्रिंटर है, A3 साइज का प्रिंटर है, किस साइज का प्रिंटर है, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है ये पोर्ट्रेट में है, पहले मैं ये समझाता हूं। पोर्ट ये ओरिएंटेशन, ये जो आप देख रहे हो यहां पे ये वाला, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखो अभी ये जो आपका पेज है इस मोड में है, तो इसको जब ऐसे रहे पेज तो पोर्ट्रेट और जब ऐसे रहे पेज तो लैंडस्केप। तो आपको करना क्या है, आपको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। अब ये जो मार्जिन है वो पेज का मार्जिन है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वही भाग प्रिंट होगा जितना मार्जिन आप देकर रखोगे। जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, लेफ्ट में 1 इंच काटते हो, राइट में 2 इंच काटते हो, इंचेस में यहां पे देखो मार्जिन इंचेस में है, टॉप में आप 3 इंच काट लेते हो, देखो तो जूम करके देखो टॉप में कटा हुआ कि नहीं कटा हुआ, देखो तो ध्यान से देखो ऊपर में देखो ना, ये इतना वाइट खाली है, इधर इतना वाइट खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि आपने ये किया था। अगर टॉप में 5 इंच कर दो, देखो टॉप में इतना कट जाएगा। तो आप जितना चाहते हो उतना आप सेलेक्ट कर लो कितना काटना चाहते हैं, अब आपको ओके कर देना है। लेकिन एक और ऑप्शन है हीडर फुटर, मान लो कि जब आप इसको प्रिंट करोगे तो हीडर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये आपका पेज है तो ये हेडिंग में आप क्या लिखना चाहते हो कि जब कोई भी बंदा इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे तो हेडिंग में मेरा नाम लिखा जाए, फुटर, ये हो गया आपका हीडर और नीचे में हो गया आपका फुटर। तो पेज के नीचे में क्या लिखा आए तो आप कर सकते हो। हीडर मान लो कि आप चाहते हो कि हीडर में AIO कंप्यूटर जॉन शो करे, और चाहते हो फुटर में बाय दिख के वर्मा शो करे, तो आप ये चीजें कर सकते हो। जब प्रिंट होगा ना तो ये हीडर फुटर में आपका शो करेगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रिंट, आपने जो भी काम किया अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो हार्ड कॉपी में, जैसे क्या होता है कि हमारे पास जब प्रिंटर अवेलेबल होता है तो हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रिंट करना, है ना। सबसे पहले हेडिंग में शो करता है सिलेक्ट प्रिंटर, यानी आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं पहले वो सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप PC से डायरेक्ट प्रिंट दे दिए और प्रिंटर में प्रिंट हो गया, नहीं, जो आप प्रिंटर खरीदते हैं उस प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है, उसको मुझे इंस्टॉल करना होता है अपने पीसी में। जब मान लो आप कैनन का प्रिंटर खरीदते हैं तो कैनन के द्वारा एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसको ड्राइवर कहते हैं, जब वो हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में तब यहां पे एक और ऑप्शन आ जाता है कि भैया हाँ कैनन का प्रिंटर आपके पास है, तो कैनन पर सिलेक्ट करो तब आप प्रिंट करो, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, तो जो प्रिंटर होगा उसको आपको कनेक्ट करना होगा एक बार, ठीक है। और आगे है ऑप्शन आपके पास कि मान लो कि आप चाहते हो नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 5 पेज प्रिंट हो तो 5 कर देना। अच्छा, उसके बाद और भी ऑप्शन है फाइंड प्रिंटर, मान लो कि आपके पास जो प्रिंटर है वो यहां पे नहीं शो कर रहा है तो फाइंड प्रिंटर पे क्लिक कर सकते हो और जो आपने इंस्टॉल करके रखा था ड्राइवर को उसको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा इशू नहीं आएगा, आप ड्राइवर को डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना, मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बताया था, और डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगला है प्रीफ्रेंस, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन आएगा कि पेपर का साइज क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद इमेज की क्वालिटी कैसा होनी चाहिए, ड्राफ्ट या नॉर्मल, और उसके बाद लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो था मैंने बताया था, और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देना, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपके पास
एग्जिट, जब आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आप इस नोटपैड से बाहर आ जाओगे। इस पर क्लिक करो, फिर से वही कहेगा कि सेव करके बाहर निकलना है कि बिना सेव किए हुए निकलना है। तो मुझे बिना सेव किए हुए बाहर निकलना है, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से इसको क्या कर देता हूँ, फिर से विंडो बार दबा करके इसको खोल देता हूँ। अब हमारे पास आता है एडिट मेनू। एडिट में क्या क्या आता है, देखो एडिट में आता है एंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब। तो ये सब के बारे में मुझे बताने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि पहले तो मेरे को साइज को बड़ा करना है। फॉन्ट में जाऊंगा और इसकी साइज को मैं इतना कर देता हूँ, ठीक। चलो देखो, फाइल में सबसे पहले अंडू, देखो आपने ये लिखा, ठीक है। अब आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड दबाओ, लेकिन नोटपैड में सिर्फ एक ही स्टेप बैक जाता है। देखो, एक ही आपने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां, आठवां स्टेप, इतना सारा स्टेप। तो भैया लास्ट स्टेप क्या था मेरा, लास्ट स्टेप था TH, लेकिन नहीं, कंट्रोल जेड करो, गायब। तो ये क्या करता है कि एक बार में जहां तक आप काम करते जाओगे वो उसको एक स्टेप में मानता है। जैसे देखो, ये पहला स्टेप था, अगला मान लो आपने यहां किया और कंट्रोल जेड दबा दिया, ये अलग स्टेप है, फिर कुछ काम करो, फिर कुछ काम करो, कंट्रोल जेड दबा दो, तो ये अलग स्टेप मानता है। यानी एक बार में आप, ऐसा नहीं है कि आप एक एक पैराग्राफ को बैक जाएंगे। जैसे क्या होता है ना कि पहले ये हटेगा, उसके बाद ये हटेगा, उसके बाद ये हटेगा, नहीं, ये पूरा स्टेप आपको उठाकर लेकर, देखो देखो कंट्रोल जेड करो, देखो ये एक हट रहा है बस। यानी कि नोटपैड में सिर्फ हम एक ही बार बैक जा सकते हैं, अंडू हम लोग एक ही बार जा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे है आपका कट। अगर मान लो कि आपने लिखा यहां पे अमन, राजदीप, राहुल, रिया, मीना, शिल्पी, चलो आपने लिखा, आप चाहते हो कि अमन यहां से हट जाए, तो हट जाए लेकिन कहां लाना चाहते हो, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अमन को यहां से हटा दो, मान लो कि अमन को आप यहां पर लाना चाहते हो, यहां पर लाना चाहते हो, तो क्या करोगे, या तो अमन को वहां से हटा दोगे और यहां पर ला करके रख दोगे, या फिर अमन को वहां छोड़ दोगे और उसको डुप्लीकेट करके, है ना, उसको डुप्लीकेट करके यहां ला दोगे। तो मान लो इसको डुप्लीकेट नहीं करना है तो कट करोगे, कट का मतलब होता है यहां से इसको हटा देना, तो इसको सिलेक्ट करो और कट करो, यहां पे आप चाहो तो शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको कट कर दो, वहां से कट हो गया। मैंने पहले बताया था कि कट और कॉपी का इस्तेमाल पेस्ट के लिए करते हैं, और पेस्ट का इस्तेमाल हम बिना कट या कॉपी के नहीं कर सकते हैं। तो कहां पे पेस्ट करना है, मान लो आपको यहां पर पेस्ट करना है, तो आप यहां पे जाओ एडिट में और इसको पेस्ट कर दो। आप कीबोर्ड में कंट्रोल भी दबा सकते हो तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जितने बार कीबोर्ड में कंट्रोल भी दबाओगे उतना पेस्ट होगा। आप कीबोर्ड में कंट्रोल दबा करके रखो, मैं नई नई ट्रिक्स आपको बता रहा हूं मास्टर लेवल तक। हम क्या करते हैं कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाएंगे, फिर हाथ उठा लेते हैं, फिर कंट्रोल भी, फिर से हाथ को उठा लेते हैं, फिर कंट्रोल भी, नहीं, बस कंट्रोल को दबा करके रखो, भी मारते जाओ, कंट्रोल दबा करके रखे रहो, भी सिर्फ भी पर मारते जाओ, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये पेस्ट होता जाए, यानी कि पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कट या कॉपी के साथ में करते हैं। अगला है आपके पास कॉपी। अगर आप रिया को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद अगर इस पर कॉपी करोगे तो वो वहां के वहां ही रहेंगी, लेकिन अगर आप जहां माउस का कर्सर लेकर जाओगे और वहां पे जाकर पेस्ट करोगे तो वो वहां पर भी चला जाएगा। यानी देखो यहां पे रिया चला है, डबल डुप्लीकेट हो गया। आप इसको सिलेक्ट करो, कीबोर्ड में कंट्रोल सी दबाओ और कंट्रोल भी से पेस्ट करते जाओ। आप चाहो तो शॉर्ट की यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आपके पास पेस्ट, ये तो आप जान गए। डिलीट, डिलीट तो सबको पता है, शिल्पी को डिलीट करना है, सिलेक्ट करो कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दो, राजदीप को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दो, ठीक है ना। आगे है आपके पास फाइंड, माल सॉरी फाइंड नहीं, सर्च बिंग, सर्च विथ बिंग। यानी ये बिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, बिंग गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, ठीक है ना जी, मैं बता रहा हूं आपको। गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं,
उसी तरह से बिंग है, सर्च विथ बिंग, यानी कि बिंग के साथ में सर्च कीजिए। तो देखो बिंग मैं दिखा रहा हूँ, शायद मेरे में होगा बिंग, तो ठीक है मैं दिखा रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोर। देखो ये मैं खोल लेता हूँ, ठीक है ये बिंग से ही खुलता है, ये प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ से, देखो क्या खुल कर आता है, शायद बिंग ही खुल कर आएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो और बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है ना। बिंग किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का, AIO कंप्यूटर जोन में यहां भी लिख देता हूं, बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और गूगल तो गूगल कंपनी है ही, ठीक है। देखो जब हमने AIO कंप्यूटर जोन को लिखा तो ये का क्या खुला, बिंग। तो वहां पे एक सर्च वाला ऑप्शन देता है नोटपैड में कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो बिंग के जरिए, ठीक है ना। अब हम लोग यूज करेंगे ये वाला फाइंड वाला ऑप्शन। क्या होता है कि जब हम अपने नोटपैड में हजारों नाम को यहाँ पे लिख देते हैं, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 या 6 नाम है, लेकिन मान लो अगर 1000 यहाँ पे एंट्री किया हुआ है नामों को, तो वैसे में कैसे प्रॉपर नाम को फाइंड करोगे। तो इसके लिए दिया जाता है फाइल के अंदर, यहाँ पे एडिट के अंदर फाइंड, इसके जरिए आप किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है, आप नीचे से ऊपर जाना चाहते हो कि ऊपर से नीचे फाइंड करना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने स्टूडेंट को बताते रहते हैं और हमारा जो डायरेक्शन है वो डाउन होता है, लेकिन कोई भी नाम को फाइंड करते हैं तो एरर आता है। जैसे देखो क्या एरर आएगा, देखो कैन नॉट फाइंड राजेश, लेकिन राजेश है लेकिन राजेश को फाइंड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने राजेश को सिलेक्ट किया हुआ है। क्या क्या हुआ राजेश को, तो सबसे पहले हमको अप करना होगा, अप करेंगे तो देखो ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जा रहा है, अब हम करेंगे तो नहीं होगा, अब क्या करना होगा डाउन करना होगा, अब ऊपर से नीचे आएगा। तो वही चीज है कि ये नीचे से ऊपर फाइंड करेगा और ये ऊपर से नीचे करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अप करेंगे तो ऊपर जाएगा ना, ये देखो डाउन करोगे तो देखो ये हो रहा है, नीचे आ रहा है आपसे ऊपर, सबको पता है। लेकिन आप चाहे तो डाउन करो या अप करो, लेकिन अगर हद से ज्यादा करोगे तो नहीं होगा। देखो अगर आप भी करोगे तो फाइंड करो एक बार दो बार तीन बार, लेकिन खत्म हो गया, राजेश तो सिर्फ 3 बार है, नहीं फाइंड करेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करो, रैप अराउंड कर दो, यानी कि चारों तरफ करेगा फाइंड फाइंड, कितना भी मारते रहो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, ये घूम करके चारों तरफ घूमते रहेगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला जो ऑप्शन है वो है आपका फाइंड नेक्स्ट, मतलब क्या होता है कि राजेश तो आपका एक है, राजेश यहां भी है, राजेश यहां भी है, तो अगर आपने राजेश को फाइंड किया तो यहां पर भी फाइंड कर सकता है, यहां भी फाइंड कर सकता है और यहां भी कर सकता है। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगला राजेश कहां है, पहला राजेश यहां है तो अगला राजेश कहां है, ठीक है ना, अगला राजेश कहां है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड एडिट पे जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट देखो नहीं आ रहा है, पहले यहां पे फाइंड पे क्लिक करो, तो यही वाला देखो फाइंड नेक्स्ट तो यहां पर भी था, वहां क्यों जा रहे हो, यहीं पर फाइंड नेक्स्ट था। सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा तभी फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे राजेश बहुत सारा है तो यहां पर डाउन पे क्लिक करो, राजेश को फाइंड नेक्स्ट करो, एक हो गया, अगला राजेश हो गया, अगला राजेश हो गया, तो मैं खुद यूज कर रहा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। आगे है फाइंड प्रीवियस, अब प्रीवियस देखो अभी आपने राजेश को फाइंड किया है, मैंने बोला था ना कि फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस, नेक्स्ट का मतलब अगला राजेश और प्रीवियस का मतलब पहला राजेश, मतलब पिछले वाले राजेश। तो जब तक आप फाइंड नहीं करोगे तब तक ये यूज नहीं कर पाओगे। तो हमने फाइंड किया हुआ है, अब हम जाते हैं फाइंड प्रीवियस, देखो पहले वाला में चले गए पिछले, और अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले राजेश, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगले राजेश, यानी कि ये नेक्स्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी एक वर्ड के जगह पे किसी दूसरे वर्ड को वहां पे रख देना। जैसे मान लो कि आपने 1000 नामों को नोटपैड में लिख दिया और चाहते हो कि मिस्टेक से हमने किसी का नाम गलत कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप मदन के जगह पे ऑटोमेटिक गोपाल करवा सकते हो। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो मदन के जगह पे गोपाल हो जाएगा। तो आप क्या करो, एडिट में जाओ और रिप्लेस में जाओ, और यहां पे पहला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि व्हाट फाइंड व्हाट, यानी किसके जगह पे करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि मदन के जगह पे क्या करना चाहते हो, गोपाल, तो मैं मदन के जगह पे गोपाल कर दूंगा। यहां पे ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट आपने सीख लिया था, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल सीखना है।
रिप्लेस का मतलब होता है कि जहां पर मदन होगा वहां पे सिर्फ एक जगह पे गोपाल होगा, लेकिन मान लो कि आपके नोटपैड फाइल में 50 जगह मदन मदन लिखा हुआ है, तो रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी जगहों पर गोपाल हो जाएगा, है ना। तो रिप्लेस करोगे तो सिर्फ एक जगह पे होगा, यानी जहां पे मदन होगा सिर्फ वहां पे गोपाल होगा, सिर्फ एक जगह पे। लेकिन अगर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहां जहां मदन होगा सारे जगहों पे गोपाल हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले हम एक जगह पे कर देते हैं, उसके बाद ऑल पे करेंगे, यानी कि मदन हम कम से कम मदन को बार 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 10 बार लिख देंगे, उसके बाद रिप्लेस ऑल करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, देखो हो गया ना, जहां पे मदन था यहां पे गोपाल हो गया, लेकिन मैं करता हूं यहां पे गोपाल है, यहां पे गोपाल है, यहां पे गोपाल है, देखो तो तीन जगहों पे मैंने गोपाल लिखा, तीनों जगहों पे ये मदन कर देगा। रिप्लेस मैं करूंगा यहां पे गोपाल, गोपाल की जगह पे मुझे क्या करना है, गोपाल की जगह पे मुझे करना है मदन, मदन रिप्लेस ऑल, देखो जहां जहां गोपाल था वहां वहां ये मदन कर दिया, ठीक है। आगे है गो टू, ये गो टू को ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फंडा आता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया गो टू का ऑप्शन क्यों हाईलाइट नहीं है। तो ये हाईलाइट तभी होगा जब आपका ये पेज है वो सही से रहेगा। कैसे सही से रहेगा, क्यों सही से रहेगा, देखो देखो ये जब आपका पेज फुल हो जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, लेकिन लेकिन अगर जैसे ही फॉर्मेट में जाओगे और ये जो वर्ड रैप है इसको ऑफ कर दो, अब जब कुछ भी आप लिखोगे तो ये नीचे नहीं आएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, देखो देखो नीचे करके ये देखो, ये देखो है ना। अब जाओगे एडिट में तो ये गो टू का ऑप्शन दिखेगा। अब मान लो कि लाइन नंबर, कौन से लाइन में आप जाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि तीसरे लाइन पे चला जाऊं, तो 3 लिखो, गो टू कर, देखो मैं तीसरे लाइन में हूं। कीबोर्ड में कंट्रोल जी भी दबा सकते हो, इसका शॉर्टकट की होता है, आप लिख लेना इसको। फिर से गो टू में जाओ, पांचवें लाइन में, बस कंट्रोल जी दबाओ और नंबर दो और इंटर करो और लिखना चालू करो, वो आप उसी लाइन में चले जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि वर्ड रैप अगर ऑफ रहेगा तभी वो ऑन रहेगा, ठीक है। आगे है सिलेक्ट ऑल, इसके जरिए आप पूरे डॉक्यूमेंट को जो आपने इसमें लिख करके रखा है आप उसको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है, सबको पता है। तो एडिट में जाओ और सिलेक्ट करो, आपका ऑल सिलेक्ट हो गया और डिलीट कर दो, ठीक है। आगे है आपका एडिट में टाइम एंड डेट, इसका शॉर्टकट की होता है F5। जैसे ही आप नोटपैड में F5 दबाओगे तो करंट डेट और करंट टाइम शो हो जाएगा, देखो F5 हो गया ना, F5 देखो करंट डेट करंट टाइम शो हो रहा है ना, देखो ये चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट देन डिलीट। एडिट में और क्या है, कुछ नहीं है। फॉर्मेट में वर्ड रैप तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वो ऑफ रहेगा तो आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो नीचे नहीं आएगा। क्या होता है कि जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो नीचे आ जाता है ये लिखावट, लेकिन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। जब ये ऑफ रहे ऑन रहेगा तब क्या होगा कि जैसे ही लाइन कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा लाइन, देखो 3 लाइन हो गया ना, चौथा लाइन में चले आए, तो ये देखना बस। आगे फॉन्ट, फॉन्ट में देखो बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट्स, इसमें जाओगे ना तो आप अपना इच्छा अनुसार फॉन्ट को चूज कर सकते हो, देखो ये मैंने करा, ओके करा। और नोटपैड में ये भी है, आप देख लेना कि भाई नोटपैड में सारा फॉन्ट एक ही होता है, एक ही का मतलब देखो क्या आप चाहते हो कि सिर्फ ये वाला लाइन अलग फॉन्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसकी फॉन्ट को चेंज करना चाहोगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, देखो यानी अगर आप एक वर्ड को अगर आप कहीं सिलेक्ट भी नहीं ना करोगे, अगर आप सिलेक्ट भी नहीं करोगे कहीं पर भी रहोगे और अगर आप इस फॉन्ट को चेंज करोगे नोटपैड में तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉपर लाइन नहीं होगा, ये आपका प्रॉपर पूरा पेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगर आप चाहते हो कि ऐसा दिखे नमूना ऐसा दिखे तो आप उसको सिलेक्ट करवा, स्टाइल है ये सब, ठीक है ये स्टाइल है। उसके बाद चाहते हो साइज बढ़ाना,
तो साइज बढ़ा दो इसका, है ना, बढ़ा दो इसकी साइज, छोटा करना छोटा कर दो और यहां से ओके कर दो। अगर और कोई फॉन्ट चाहते हो तो शो मोर फॉन्ट पे जाओ और आपका सेटिंग खुल जाएगा और फॉन्ट देखो इतना सारा फॉन्ट है ना, ये बस ये चीज है। आगे है व्यू, व्यू में क्या है जूम, देखो जूम है जूम इन जूम आउट रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, ऐसे खुद ये कह रहा है कि भैया कंट्रोल के साथ में प्लस दबाओ, जूम हो गया, कंट्रोल के साथ में माइनस दबाओ बस। और मान लो आपने इतना जूम कर दिया, आप चाहते हो कि ओरिजिनल आ जाए, जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है वो आ जाए, तो व्यू में जाओ और जूम में जाओ और रीस्टोर कर दो, ये ओरिजिनल आ जाएगा। स्टेटस बार, ये जो नीचे मैं आपको दिखाया था अभी कि इसको कहते हैं हम लोग स्टेटस बार, ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑफ करना है कर सकते हो, ऑन करना है यहां पे जब आप इसको क्लिक करके ऑफ कर दो तो ये हाइड हो जाएगा, देखो नीचे हाइड हो गया ना वो लिखा हुआ रहा था सो, इसको दोबारा से ऑन कर दो। ये हेल्प है, व्यू हेल्प, इस पे क्लिक करोगे तो आपका हेल्प यहां पे खुल जाएगा, देखो किसके बारे में हेल्प है, तो यही नोटपैड के बारे में है कि देखो इस पे क्लिक करो, ये हेल्प वाला ऑप्शन खुल गया है आपका, देखो यहां पे सब हेल्प देगा आपको, कैसे क्या है क्या नहीं है, है ना, ये हेल्प आ गया। चलिए आगे है यहां पे, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो इसको, तो फीडबैक मतलब होता है कि कैसा लगा नोटपैड, अच्छा है नहीं है, क्या चेंज होना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा, ये यहाँ से भाई लिखो और यहाँ करो और नेक्स्ट कर दो। ये विंडो 10 में ये सब दिया है, 7 नहीं है, अबाउट नोटपैड है 7 में लेकिन पूरा है, आपको अंदर जाना पड़ा। ये विंडो 10 ये बता रहा है कि आपका विंडो 10 है, नोटपैड का वर्जन है 2004, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, बस ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका नोटपैड आज समाप्त हो गया, कल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सॉरी वर्ड पैड सीखेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा।